वेल्स अगेन वेलकम यू ऑल एवरीवन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए पेपर का अब सेकेंड पार्ट बचा हुआ है जिसका सलूशन हम करके दे रहे हैं आपको। तो इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन देखा था यहाँ पे, जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये वाला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, एक सेकेंड, यस क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसका आंसर है, काफ़ी लंबा मेथड है, मतलब आई डोंट नो कि इसको एक शब्द में उत्तर दीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, वन मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इसका जो न्यूनतम मान आ रहा है 1/3, और इसको पूरा कैसे करेंगे मैं इसको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या आप लोग मुझसे लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। आइए देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड 2 मार्क्स का है, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6 बताइए एक एक ही है नहीं है भाई। तो मैपिंग कर लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3 और यहाँ पे है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। तो 1 की पेयरिंग 4 के साथ है, 2 की पेयरिंग 5 के साथ है और 3 की पेयरिंग 6 के साथ है। सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो चुके हैं पहले सेट के, इसका मतलब ये एक एक ही होगा क्योंकि हर बिंदु का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सममित है कि सममित नहीं है देखिए। तो 1, 2 के लिए 2, 1 जो है उल्टा इमेज मिल रहा, मतलब ये सममित होगा। ज़्यादातर बच्चों ने हालांकि पहला ही क्वेश्चन किया होगा तो इसमें 2 मार्क्स आपको पूरे पूरे मिल गए। अगला क्वेश्चन बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो वाई का मान ज्ञात करके माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है बताने जैसा। अगला है के का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए के का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे लिमिट लगेगी और एफ जीरो इक्वल टू के है, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स साइन 1/x। ओके, तो लिमिट पुट कर दीजिए 0 × sin 1/x एक फाइनाइट वैल्यू देगा, मतलब एक परिमित मान देगा, क्योंकि साइन का मान जो होता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो एक परिमित मान देगा जिसकी वजह से इसका कुल आंसर कितना आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या फलन x² - sin x + 5 x = π पर सतत है। बेशक x की वैल्यू पाई रख दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा, सतत ही आएगा। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो भैया a बराबर होता है π r² यहाँ पूछा गया है dA/dr जो हो जाएगा π × 2r, r का मान 5 रख दीजिए, आंसर आएगा 10π। चलिए ये भी हो गया। सिद्ध कीजिए साइन x प्रदत्त अंतराल 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, तो साइन x का अवकलन हो जाएगा f′x जिसको हम cos x बोलते हैं, और प्रथम अंतराल 0 से π/2 में cos x का मान क्या होता है, धनात्मक, तो इसका मतलब जो है वो ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। f′=cos x हो गया, और cos x का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, कब, 0 से 90 में, ओपन इंटरवल यानी खुले अंतराल में। अगला क्वेश्चन sec²log x/dx का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले log x को t ले लेंगे, log x t ले लेंगे तो 1/xdx बन जाएगा dt, sec²t बन जाएगा और sec²t का आंसर आएगा tan t, यानी कि tan log x, जिसको हम पुट करेंगे tan और t की जगह आ जाएगा log x। तो फॉर्मेट में जो मैंने बताया था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उससे हो जाएगा साइन x रूट x को, तो इसमें रूट x को t मान लीजिए, रूट x को t लेकर के करेंगे तो इसका भी समाकलन आ जाएगा। अगला, ये तो दोबारा वही पेज आ चुका है क्या, दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि फलन 1, 2, 3 और 1, 2, 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। भैया 1, 2, 3 में जा रहा है, ओके, फलन 1, 2, 3 जो है 1, 2, 3 में जा रहा है, अनिवार्य रूप से आच्छादक है। देखिए 1, 2, 3, ओके, एक एक ही फलन कह रहा है, एक एक ही मतलब एक का कनेक्शन एक से होगा, तो भाई अब तो मजबूरी हो गई क्योंकि एक केवल एक से ही कनेक्ट हो सकता है, तो तीन एलिमेंट यहाँ के हैं तो तीन एलिमेंट यहाँ के कनेक्ट होने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अगला है फलन f(x)² द्वारा परिभाषित फलन f(r)-r ना तो एक एक ही है और ना तो आच्छादक है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है, एक एक ही क्यों नहीं है। देखिए ये रियल नंबर से रियल नंबर में है, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है r से लेके r। अगर आप +1 देंगे तो +1 का भी आउटपुट 1 मिलेगा और -1 का भी आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एक एक ही नहीं हो सकता, ये क्या है, बहु एक एक ही है, तो एक एक ही तो नहीं है। अब आच्छादक की बात करते हैं, आच्छादक क्यों नहीं हो पाएगा। देखो भाई तीन जो है आच्छादक क्यों नहीं हो पाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे -1 है, क्योंकि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, तो -1 तो आएगा, मगर यहाँ पे कुछ भी ले लो आप,
एक्स स्क्वायर कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर माइनस वन नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा कोई एक्स इस सेट के अंदर नहीं होगा जिसके लिए यहाँ का वर्ग क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। बट रियल नंबर है तो ऋणात्मक भी चिन्ह होंगे, धनात्मक भी होंगे, इसलिए ये आंसर नहीं बैठेगा। ओके, तो ये एक एक ही भी है मगर आच्छादक, ना एक एक ही है ना आच्छादक, सॉरी। अगला सवाल, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन 2π/3 कितना होता है भैया, 120 डिग्री होता है। तो जल्दी से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन इनवर्स 120 को प्रिंसिपल डोमेन में लेकर के आते हैं, तो साइन ऑफ 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 60 हो जाएगा। और अब साइन 60 माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई थ्री। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x/1 - x² = 2cos inverse x, तो x की जगह आप cos थीटा पुट कर दीजिए LHS में, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए कि अंतराल में निरंतर ह्रासमान है, तो आपको अंतराल ज्ञात करना है जिसमें ये ह्रासमान हो। तो सबसे पहले f डैश x निकालिए, ये 4x-3 हो जाएगा, और f डैश x को क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल कर दीजिए, तो 4x-3 = 0 यानी x = 3/4। अब अपने पास दो इंटरवल बन गए हैं, एक है 3/4, तो 3/4 होता कितना है यार, 0.75 समथिंग होता होगा, तो एक बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 और एक बनेगा माइनस 3/4 से लेके इन्फिनिटी। अब हमें इसमें चेक करना है मान किसका, x का, तो एक काम करो यहाँ पर x की कोई वैल्यू ले लो, सपोज -2 ले लो। अब -2 पर f डैश x देखो इस तरफ, तो -2 पर 4 × -2 - 8 और -3 = 11, मतलब लेस देन 0 आ रही इस तरफ, मतलब इसका जो अंतराल होगा करेक्ट आंसर ह्रासमान के लिए क्या होगा, -∞ to 3/4, इसका आंसर है -∞ to 3/4। चलिए ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सीधे इसका अवकलन करके x का मान 5 पुट कर देना था, ये तो डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वेश्चन है, प्रदर्शन करने वाला, तो ये भी कर लिया होगा आप लोगों ने। 5 का सहखंडज ज्ञात कीजिए भाई, सहखंडज यानी कि कोफैक्टर है ना, तो 5 का सहखंडज, 5 यहाँ पे बैठा है तो इसकी पोजीशन क्या है, प्लस माइनस प्लस। चलिए तो इसकी पोजीशन, इसका प्लस 5 का सेकंडज, पोजीशन क्या है इसकी, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी A31 क्या निकलेगा भाई, इसका सेकंडज इसको छोड़ के 1 * 3 = 3 और 1 * 2 = 2 = 3 - 2, इसका आंसर आएगा 1। चलिए ये आ गया। अगला क्वेश्चन है, ax² + by² = cos dy/dx, कितना सरल सवाल है, तो ए एक्स इसको सीधे आओ ना देखे ताओ बस किए जाइए घाव, क्योंकि ये अस्पष्ट फलन है, इसका कर देंगे तो a प्लस इसका कितना हो जाएगा 2by और dy/dx = cos y का कितना हो जाएगा -sin y और साथ में dy/dx, तो इसको इधर लेकर के आइए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आंसर, dy/dx हो जाएगा 2by + sin y, इधर हो जाएगा -a/2by + sin y, ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई, सॉल्व कर लीजिएगा। fx = sin x² का x के सापेक्ष अवकलन, ये बहुत ही सिंपल दे दिया है, cos of x² और x² का कितना हो जाएगा 2x, तो ये ज़्यादा सही है। चलिए 2 tan inverse 3x का इसका मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए tan inverse 2x + tan inverse 3x π/4, तो ये बहुत ही सिंपल है, tan inverse 2x + 3x / 1 - 6x² = हो जाएगा π/4, ये 10 इधर चला जाएगा तो 10π/4 1 बन जाएगा, तो 2x + 3x / 1 - 6x² = 10π/4 का मान 1 हो जाएगा। अब इसको आप वर्ग समीकरण बना करके हल कर लीजिए। दूसरा, यदि इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो 2 tan को पहले सिंगल 10 के फॉर्मूले में ले आइए और फिर इसके बाद 10a + 10 inverse a + 10 inverse b का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये तो प्रदर्शित करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ मेरे बताने जैसा है नहीं। वर्ग आव्यूह इतने को ए सम्मित और विषम सम्मित के रूप में लिखिए, इसका मतलब कि कोई दिया गया आव्यूह a बराबर 1/2 a + a ट्रांसपोज + 1/2 a - a ट्रांसपोज, जिसमें पहला वाला पार्ट सम्मित होता है, दूसरा होता है विषम सम्मित। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, हाँ थोड़ी सी ये मेहनत करना पड़ेगा, इसका महत्तम मान ज्ञात करने पर आएगा अंडर रूट 2।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स थ्री एक्स प्लस थ्री के द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स इसका हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसको जीरो से इक्वल करना पड़ेगा। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक मान आएगा एक्स इक्वल टू वन और एक मान आएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करने पर दो बिंदु पता चल चुके हैं। देखिए अब आप ये देखिए कि इसको इसमें किस बिंदु पर ये उच्चिष्ठ है या कुछ किस बिंदु पर निम्निष्ठ है। इसके लिए आप इसको दो बार आप कलच कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, सिक्स एक्स माइनस थ्री, ओके। और एक्स इक्वल टू वन पर ये हो जाएगा कितना, एक्स इक्वल टू वन पर हो जाएगा सिक्स इंटू वन माइनस थ्री यानी कि थ्री। तो मतलब कुल मिला के एक बड़ी प्रोसेस है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डिटेल सोल्यूशन में इसको भेज दूंगा। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में से आर एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। प्रदत्त द्वारा आर एक तुल्यता संबंध है। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो दो बुक्स हैं जिसमें एक्स कॉमा वाई और ये बुक हैं जिनमें पुस्तक के पेजों की संख्या समान है। तो एक पेज यदि दोनों एक्स एक्स ले लिए जाए, मतलब पहले में भी एक्स पेज है दूसरे में एक्स पेज है, बुक एक्स और एक्स है, सॉरी एक्स और एक्स है। तो यदि दोनों बुक एक जैसी हैं तो दोनों में पेज समान होंगे, मतलब ये अपना स्वतुल्य हो गया। एक्स कॉमा वाई दोनों बुक में पेजों की संख्या समान है तो वाई और एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। और तीसरा बना लीजिए एक्स वाई 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 जेड और एक्स जेड, तो वो भी समान हो जाएगा। तो एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू में प्रदत्त फलन आर से आर में एक एकी है। तो सिद्ध करना है, एक एकी के लिए सिद्ध करना है। तो मैंने बताया था कि एक्स वन और एक्स टू पर दो इनपुट आप ले लीजिए। लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ओके। तो एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब, ये सर है। तो एक्स वन का क्यूब रूट ले लीजिए तो यहाँ पे आएगा एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। अगर आउटपुट इक्वल होने पर इनपुट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये फलन एक है। कि अगला ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कुछ बताने जैसा है नहीं, सारणिक वाला क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। अगला देखिए, वाई का फलन एक्स की पावर साइन एक्स साइन की पावर कॉस एक्स, कैसे करना है इसमें, इसको यू लेना पड़ेगा, इसको वी लेना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए थीटा प्लस साइन थीटा, ये वाला सरल क्वेश्चन था, बच्चों ने ये चुना होगा क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा, ये काफ़ी सरल था। तो पहला कैसे करेंगे भाई, इसको कैसे करेंगे, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, कुछ भी नहीं करना है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसमें शुद्ध करना था कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्ति बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। मतलब बेलन की त्रिज्या आर सिलेंडर इक्वल टू शंकु की त्रिज्या यानी कोण की त्रिज्या की आधी टू, इसको ऐसा करा गया आर इक्वल टू आर बाई टू। तो एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको संपूर्ण हल में कराया जाएगा। अगला, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए एक्स प्लस वाई बराबर साठ है, एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो, ओके। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स वाई क्यूब यानी वाई की जगह कितना आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी पी बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे, एक्स का मान पुट करेंगे, फिर मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू कॉस इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको टेन का जो टेबल है कॉस के टर्म में लेकर के आना है। तो आप इसको आर एच एस से लेकर के साबित कर सकते हैं। एक्स की जगह में आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक्स की जगह में क्या पुट कर दीजिए आप, सोचिए यहाँ पे एक्स की जगह पे आप यदि हाँ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। तो x की जगह आप यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अगला, साइन है टेन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों को पहले टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन को टेन में ले जाइए। तो ये टेन इनवर्स कुछ बन जाएगा, ये भी टेन इनवर्स कुछ बन जाएगा, फिर फाइनली दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर टेन के रूप में ही प्राप्त हो जाएगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन पेपर, एक काफ़ी सरल क्वेश्चन पेपर, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सरल पेपर दिया गया है, इसको थोड़ा सा टफ बनाए जाने की ज़रूरत थी। एक क्वेश्चन इन लोगों ने बस डिफ़िकल्ट दिया, वो ऑब्जेक्टिव वाला देना नहीं था इनको, मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कहीं से कहीं तक एक नंबर का सूट नहीं करता। तो ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, तगड़ा नहीं है, बड़ा है। और बाकी तो क्वेश्चन एकदम पेपर ईजी आया है, कोई ज़्यादा खास पेपर नहीं है। सो आई होप आप लोगों को बच्चों मज़ा आया होगा मेरे साथ पेपर करके, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे पता है कि मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ाया है, परंतु ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये कहना चाहिए यहाँ पे मैं जो एक तरीके से जल्दी जल्दी से पेपर करवा रहा था कि कितना बन गया आप लोगों से एक सरसरे तौर पे।
बाकी इसके डिटेल सोल्यूशन के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय और शुभ हो, धन्यवाद।